ये हम एक और रेवड़ के पास आए हैं, और ये भाई पता नहीं कितने साल से चला रहे हैं, इनकी जबानी सुनते हैं। एक फरीद भाई हैं, एक शहजादे भाई हैं। तो पहले शहजादे भाई से बात करते हैं। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये कितने जानवर हैं आपके पास? ये कम से कम होंगे 70-75 तो होंगे। 70-75। तो ये कौन सी नस्ल नस्ल के ये इसमें ज़्यादा कहते हैं वो जैसे हैं? नाचने वाले शुजाबादी हाँ, नस्ल जो होती है पूरी डांसर नस्ल। नाची हाँ जी, हाँ जी, वो नस्ल। वो नस्ल है। जी तो जी ये आप मतलब के पालते हैं या बेचते भी नहीं, हैं? सेल भी करते हैं, सेल भी करते सेल हैं। भी तो करते हैं, इसका पालते बच्चा हैं। मतलब महंगा है? तो जी, नस्ल के हिसाब से होता है ये तो। ये शौकीन लोग रखते हैं। जी, सब शौकीनों का काम है ये, ज़्यादा आम बंदे का काम नहीं है रखना। अच्छा, तो ये कितना कद काट करता है? ये देख लें, उनके माँ बाप आपके सामने ठहरे हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी ये भी फुल जवान नहीं है, तकरीबन जिसे सादा लफ्ज़ों में कहते हैं ना पट्ठे वगैरह, जी ये पट्ठे हैं, पहली पहली दफ़ा तकरीबन ये सोएंगी। अच्छा, तो आपको ये काम करते हुए कितना अरसा हो गया? हमें हो गए हैं तकरीबन, बाप दादे का काम है ये हमारा। बाप दादा खानदानी यानी काम है। जी, तो पहले रेवड़ बाप दादा के पास ज़्यादा था या आपके पास नहीं ज़्यादा नहीं है? उनके पास ज़्यादा था, हमारे पास क्या ज़्यादा है। आपके वक़्फ़ में जी जी हमारे पास। सही। अच्छा, एक मसला और आता है, अगर आप इतने साल से पाल रहे हैं आपको पता होगा, अगर जानवर को मोशन हो जाते हैं तो क्या टोटका करते हैं आप? इसमें हम ज़्यादातर खिलाते हैं इनको ये जामुन के पत्ते वगैरह। ठीक हाँ। है, खुश्क चीज़ होगी जैसे तुड़ी होगी, खुश चीज़ें फिर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उसे और। सेट हो जाते हैं। जी, उससे तकरीबन अच्छा, एक मसला और भी आता है अपारे का, जो गैस वैस हो जाती है जानवर उसमें के। हम तकरीबन लेमन बोतल, हाँ कास्टर सोडा जिसे हाँ कहते हैं, हाँ वो डालते हैं फौरी तौर के लिए, वो भी बहुत कारामद है। तो उससे और अपारा वगैरह हाँ, ख़त्म हो उसमें जाता है। तकरीबन 70-80% तक उसके चांस होते हैं ख़त्म होने। अच्छा, बुखार वगैरह हो जाए तो? वो जो आजकल तो बहुत सहूलत है आपके सामने, ये विनेंटरी वाले डॉक्टर मोबाइलें वर्कशॉप फिर रही हैं, अब नहीं, तो ज़्यादा वही चलते कराची हैं। में नहीं घूम रही ना, सिंध में अगर घूम रही हो तो पता नहीं, कराची में क्यों, नहीं घूम सिंध में रही। तो बहुत ज़्यादा है आप बाहर कराची आते में हैं। अगर जैसे होता है तो या तो डॉक्टर को बुलाया जाता है, वो तो जानवर या तो डॉक्टर बचा लेता है या मार देता है, बस हम भी तकरीबन ऐसे ही करते हैं, डॉक्टर को ही बुलाते हैं भाई, इधर ज़्यादा खराब हो ज़्यादा जाता है। ख़राब हो जाए तो फिर इतना तो डॉक्टर हम भी नहीं है, चाहे बाप दादे का काम है। फील्ड सही वाइज सही। हर किसी की अपनी फील्ड होती है, आप समझदार हैं। तो ये आपका ये प्राइवेट बिजनेस है? जी, प्राइवेट। सही। तो आपने यहाँ पे इनके रेवड़ की रखवाली के कितने बंदे छोड़े हैं? हम आपके सामने हैं तकरीबन, ये 70-75 ये है, 150-150 उधर भी फिर रहा है, जी, 5-6 बंदे हैं हम। 5-6 बंदे। हाँ, तो आप जब भी अगर ये बेचते हैं, मिसाल के तौर पे एक बच्चा कितने का बेचेंगे? ये बच्चा नस्ल के हिसाब से होता है, रूटीन वाइज 10,000 से ऊपर ऊपर से इसकी रेंज है, कितना बड़ा बच्चा? 15 दिन का, 20 दिन का। फुल और अगर फुल बड़ा बेचेंगे तो? बड़ा तो अभी आपको पहले भी दूसरे रेवड़ में आपने देखा है जी जी शायद, बिल्कुल, पहले भी क्योंकि मैं आपकी वीडियो बना चुका जी हूँ। जी 2 महीने का आपके सामने 1,00,000 रुपये का बिका है, सही, आपके सामने भी गए, खरीदार भी आपके सामने ठहरे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने खुद भी देखा है। तो जी, ये इसमें अगर नाची सारे, तो नाची नज़र नहीं आ रहे इसमें, तो मुझे और भी मतलब के नज़र आ रहे हैं। पंजाब नस्ल नज़र आ रही है, बीतल का क्रॉस भी नज़र आ रहा है, मक्खा चीनी का भी क्रॉस नज़र आ रहा है। तो ये आपने मतलब कि इन्हीं के से बच्चे निकले हैं या ये अलग से लेके डाले हैं? नहीं, ये अलग से हैं, ये अलग से ये हैं। अलग से हैं, अगर कोई ये लेने आएगा तो आप ये भी सेल कर देंगे? इनमें भी सेल, नर सेल कर देते हैं, मादियाँ नहीं करते सेल, मादिया क्या, दूध वगैरह बेचते हैं? मादियाँ फिर नस्ल के हिसाब से ठहराते हैं, ठहरी रहती हैं। तो दूध भी मतलब बच्चे जी, पीते दूध हैं या भी बेचते नहीं, हैं? बेचते भी हैं, बच्चे बच्चे तो चले जाते हैं 20 दिन के, वो 1 महीने के, वो उसके बाद फिर दूध सेल करते हैं उसका। सही। तो बच्चे वगैरह मतलब लोग आके ले जाते हैं या मंडी में ही नहीं देते हैं? नहीं इधर से ले जाते हैं लोग, आपके रेवड़ से ही मंडी ले में, जाते हैं। मंडी की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। चले सर, अगर कोई आपसे लेना चाहे, अपना मोबाइल नंबर कॉन्टेक्ट वगैरह नंबर देना चाहे तो? ठीक हो गया सर, आपको दे देते हैं। नहीं, दे देना, इसी पे लाइव जा रही है ना, ताकि लोग सुन लेंगे ना ठीक इसी पे। है, चले ठीक है सर, इनका नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा भाई। तो भाई ये इनका माल है सारे, आप ये सारे चेक कर लें। माशाल्लाह, हर कलर का, खूबसूरत बकरियां बच्चों वाली भी हैं और छोटे बच्चे भी हैं साथ में। माशाल्लाह अच्छा माल है। ये बकरे देखें ज़रा, इसको क्लोज करना यार, ये ऐसा लगता है जैसे मकरानी बलोच बकरे हैं, और मुझे तो खैर बड़े पसंद हैं। इनके सर पे जो बाल है ना, ये देखें, मुझे बड़ा खैर बड़े प्यारे लगते हैं नाची नस्ल के, क्योंकि डांस करते हुए चलते देखें, जैसे वो बकरी चल रही है, वो क्रॉस है लेकिन चल इसी तरह रही है ना, नाची के स्टाइल में। तो इसी शुक्रिया के साथ के दोस्तों, आइंदा भी हम आपको ये वीडियो वगैरह बना के अपलोड करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।